शांति। 26 अगस्त 2022, बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो, यही है बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ। प्रश्न, तुम बच्चों को कौन सा संग करना है, कौन सा नहीं? उत्तर, जो ज्ञान की रूह रिहान करते हैं, सर्विसेबल हैं, उनका ही संग करो। बाकी जो झरमुई झगमुई करते हैं, फालतू बातें सुनाते हैं, उनके संग से दूर रहो। हियर नो इविल, सुई नो इविल। प्रश्न, गफलत करने से कौन से नुकसान होते हैं? उत्तर, जो गफलत में रहते उनसे हर समय भूलें होती रहती हैं, वह बाप का नाम बदनाम करते रहते हैं, उनसे सभी को नफरत आती है, वह गोल्डन एज में नहीं पहुंचते, फिर बहुत बड़ी बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। प्रेरणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भर कर अपना श्रृंगार करना है। अति इंद्रिय सुख के लिए बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। दूसरी पॉइंट, धूतीपना बहुत नुकसान करता है, इसलिए ज्ञान के सिवाय कोई भी बात सुननी सुनानी नहीं है। उल्टी बात सुनाने वालों के संग से बहुत दूर रहना है। वरदान, सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भव। ब्राह्मण जीवन में आदि से अब तक जो भी प्राप्तियाँ हुई हैं उनकी लिस्ट स्मृति में लाओ तो सार रूप में यही कहेंगे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में, और यह सब अविनाशी प्राप्तियाँ हैं। इन प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज रूप में रहे, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो तो खुशी में उड़ते मंजिल पर सहज ही पहुंच जाएंगे। प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है। स्लोगन, बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु सागर बनो। ओम शांति।